है, क्या बोले थे, पेचकस मुंह में घुसा के ऐसे ऐसे कर, ये सब क्या, इस सब लैंग्वेज क्या है? आप पद है, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, आपका पद का गरिमा रखिए, पद का गरिमा रखा जाता है। ये नहीं कि किसी को पेचकस घुसा दे तो कची जानी गुथिया गुथिया ये सब। यदुवंशी सेनक है, उनका पद को हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन पद का सम्मान करने का मतलब ये नहीं हो गया कि आप हर जाति के लोगों को गाड़ी देना। सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम ये है राजपूत कास्ट से। सपोज तो क्या राजपूत कास्ट आरजेडी में नहीं है? राजपूत कास्ट का तेजस्वी जी को वोट नहीं देता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के युवा नेता, यानी राष्ट्रीय जल युवा नेता, छात्र नेता है। इनसे हम जानते हैं, जो कि संतोष रेणु के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि वो हमेशा से विवादों में घिरे रहते हैं और हमेशा हर जाति हर धर्म के लोगों को हमेशा गाली देना उनका काम हो गया है, उनका पेशा हो गया है। तो आइए हम आरजेडी के नेता से जानते हैं। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि उन्हें आप ही के पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, यदुवंशी सेना का, क्यों बनाया है? आखिर इतना गाली गलौज कर रहे, उसको पद से हटा क्यों नहीं रहे आप? देखिए, बस सबसे पहला बात है कि संतोष रेणु यादव जो हैं एक तरीके से माननीय भी हैं, क्योंकि देखिए और पद का है उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है यदुवंशी सेना का, उनका पद को हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन पद का सम्मान करने का मतलब ये नहीं हो गया कि आप हर जाति के लोगों को गाड़ी देना। सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम ये है राजपूत कास्ट से। सपोज तो क्या राजपूत कास्ट आरजेडी में नहीं है? राजपूत कास्ट का तेजस्वी जी को वोट नहीं देता है? हम लोग भी राजपूत भी है, भूमिहार भी है, हाँ सब सभी कास्ट है। देखिए अब गलती एक आदमी करता है, कहीं अगर यादव से अगर राजपूत का झगड़ा होता है तो यादव मान लीजिए कि राजपूत को एक पर्सनल जो पर्सनल है दुश्मनी उसको गाली दे सकते, उसको बोल सकते, लेकिन उसको लेकर के उस राजपूत समाज को गाली देना ये कहाँ तक उचित है? देखिए मेरे कहने का मतलब ये कि आप राजपूत समाज को गाली दे रहे हैं, सबसे पहला बात है। हम लोग अगर जो चुनाव विधानसभा चुनाव जब आता है तो हम लोग अपने कास्ट को लोगों को कहते हैं कि हाँ हमारे भैया को वोट दीजिए, तेजस्वी जी को वोट दीजिए, हम लोग कन्वेंस करते हैं कि चलिए वोट दीजिए ताकि सरकार बनेगा। आप अगर जो सभी कास्ट को नहीं, राजपूत को गड़िया रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मतलब हर एक तरीका से, मतलब आप बोले जा रहे हैं, आप बार बार हर बात पे सोचते हैं कि विवाद में आ जाएंगे, मतलब हम ये कर लेंगे वो करना क्या चाहते हैं आप ऐसे करिएगा तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे। अरे ऐसा नहीं ना, ऑल इज़ वन का पार्टी है भाई, इसमें जेड की बात करते हैं, ए टू जेड की पार्टी है, ए टू जेड इसमें है, हर कास्ट है, हर जाति है, हर लोग इसमें है, हर लोग इन्वॉल्व है। अरे मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, मतलब जगदानंद सिंह जी हैं, तो सब लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष, हाँ सॉरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब लोग हैं, सब लोग रहते हुए भी तो आप सब किसी को गाड़ी दे रहे हैं। पता है हमें फेसबुक पे कितना लोग कमेंट करता है कि क्या सौरभ तुम्हारा चीज संतोष रेणु गाली दे रहा है तुम्हारे कास्ट को, तुम आरजेडी में है, तुमको क्या फ़ायदा? ये सब अच्छा नहीं लगता है, गलत मैसेज जाता है जातियों में, बिल्कुल गलत मैसेज जाता है मेरा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है उनमें, सबसे बड़ा खासियत क्या है कि भगवान राम को तो कभी सीता माँ को, अरे तुमको भगवान से क्या प्रॉब्लम है? तुम अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए सब कुछ करने के लिए, तो मीडिया के सामने दुगो बात बोल देना है, दुगो बड़ा बनना है, तो ये सब कर लेने से वो मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे। आखिर आप ही के पार्टी उनको यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए तो क्यों नहीं उसको निकाल के बाहर फेंक रहे? देखिए ये हमारी पार्टी के हैं तो हमारे पार्टी के बड़े लोग को करना, हम तो रिक्वेस्ट ही करेंगे कि उन जैसे लोगों को यदुवंशी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाना चाहिए। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा बात ये है कि सब किसी को लेकर चलना है। यादव कास्ट जो होता है ना, किसी के पेट पे लात नहीं मारता है, कोई भी यादव हो। हम एक यादव की बात नहीं कर रहे हैं, हर यादव की बात कर रहे हैं। आज तक किसी के पेट पे लात नहीं मारा है, किसी भूखे को खाना दिया है और किसी को हेल्प किया है। यादव का मतलब ये नहीं हुआ कि हर किसी को गाली देते चलना है तो ये करते चलना है। गाली देकर साबित क्या करना चाहते हैं संतोष कुमार यादव जो रेणु हैं, वो आरजेडी के नेता है पहले, उसके बाद वो यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना जाता है, आखिर वो गाली गलौज करके साबित क्या करना चाहते हैं? देखिए अपने गाली गलौज करके वो साबित करना चाहते हैं ना, सिंपल बात ये है कि वो अपने आप को इतना बड़ा समझना चाहते हैं, मतलब अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं, सोचते हैं कि हम और आगे जाएंगे, गाली देंगे, हर कास्ट को बोलेंगे तो हम यादव समाज में, हमको तेज भैया के और करीबी हो जाएंगे। ये सब कर लेने से नहीं होगा। तेज भैया भी हैं तो भगवान कृष्ण को, भगवान राम को सबको मानते हैं ना, हर जगह जाते हैं, ये चीज मथुरा जाते हैं। ये बागेश्वर वाले बाबा को बागेश्वरवा कहते हैं, महेश्वरा कहते हैं, तो कितना गलत लैंग्वेज यूज़ करते हैं। उनको बोलने का लूड है, क्या बोले थे, पेचकस मुंह में घुसा के ऐसे ऐसे कर, ये सब क्या, इस सब लैंग्वेज क्या है? आप पद है, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, आपका पद का गरिमा रखिए, पद का गरिमा रखा जाता है। ये नहीं कि किसी को पेचकस घुसा दे तो कची जानी गुथिया गुथिया ये सब कौन सा शब्द है भाई? अरे बोलने का लूड सीखिए भाई। अरे आप जिस पद पे हैं ना, उस पद का लोग सम्मान करता है। आप 10 जगह जाएंगे तो 10 को भीड़ आपको लगेगा उस पद का।
आपको इन कुछ लोग तो उनका समर्थन भी करते हैं, सही दे रहा है गाड़ी। नहीं तो जो समर्थन करते हैं वो गलत करते हैं, सिंपल बात है, जो समर्थन करते हैं गलत करते हैं। ऐसा नहीं है कि आरजेडी में राजपूत नहीं है, भूमिहार नहीं है और सभी कास्ट के लोग नहीं है। आरजेडी में हर कोई है, हर कोई है। ये ऑल ए टू जेड की पार्टी है, इसमें हर पार्टी हर कास्ट है इसमें। माननीय क्या लगता है ये बताइए कि आपके पार्टी के जो नेता हैं, जो मेन नेता हैं, उनको जल्द से जल्द संतोष रेणु को बर्खास्त कर देना चाहिए? देखिए हमारा तो यही एगो मांग रहेगा कि उनको हटाना चाहिए, और नहीं तो उनको अपना बुद्धि सुधारना चाहिए, सिंपल बात है। यानी लैंग्वेज सुधारना, लैंग्वेज बिल्कुल सुधारना चाहिए। देखिए वो अलग बात है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है किसी जाति विशेष को लेकर के सभी जाति को टारगेट करके आप गाली दे रहे हैं, जबकि उसमें एक व्यक्ति गलत हो सकता है, दो व्यक्ति गलत हो सकता है, पूरा जात गलत नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब ये है कि राजपूत है, राजपूत में ऐसा नहीं कि कोई सब कोई निम्न होता है, सब कोई दूध के धोवल है, सब सब में कोई ना कोई कमी होता है। अरे पांच उंगली बराबर है, ये बड़ा छोटा बड़ा छोटा है, सिंपल बात है। तो ये बात समझना चाहिए, राजपूत में अगर आप गलत है तो हम आपको गलत बोलेंगे, पूरे समाज को कैसे गलत बोल सकते हैं? मेरे क्या औकात है? सिंपल बात है, आप हर किसी को एक बार में रेल रहे हैं, आप हर किसी को गाली दे रहे हैं। अरे गाली तो हम भी दे सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं। एक लाइन में बोलिए, एक मिनट में जल्दी से खत्म करिए बात, बहुत लंबा हो जाएगा। संतोष रेणु को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? देखिए संतोष रेणु को सिंपल बात, हम एक ही बात कहेंगे, सबसे बड़ी बात है, देखिए भैया अपना लैंग्वेज सुधारिए या नहीं तो आप पार्टी छोड़ के चले जाइए। अगर जो आप अगर जो टारगेट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाइए माननीय तेजस्वी भैया से बोल दीजिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बोल दीजिए, गगन यादव जी हैं उनसे बोल दीजिए कि सौरभ को हटा दीजिए। अरे हटा ही देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर भी हम आरजेडी में रहेंगे, आरजेडी लॉवर हैं तो हैं, पावर ख़त्म ना हुई। तो ये हमारे साथ मौजूद थे छात्र नेता आरजेडी के सौरभ सिंह जी, इन्होंने बताया कि किस तरीके से उन पर लगाम लगानी चाहिए, अपने लैंग्वेज पर लगाम लगानी चाहिए। तो साथियों आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे 10 प्रेम न्यूज़ में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।